हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र की राजनीति का अनमोल हीरा है देवेंद्र फडणवीस। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन है। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स लगाने और समारोह आयोजित नहीं करने का आग्रह किया है, परंतु यह भी सत्य है कि उनके चाहने वाले उनका जन्मदिन मनाने से चूकेंगे नहीं। प्रदेश भर में सभी अपनी अपनी तरह से उन्हें शुभकामनाएं भी देंगे और उनका जन्मदिन भी मनाएंगे। महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों हुई भारी उठापटक ने तत्कालीन सत्तासीन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा की चूल्हे हिला कर रख दी। अगर आज देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा का चाणक्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जून 2022 में राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी फडणवीस की चुनावी रणनीति शेष सभी दलों पर भारी पड़ी। फडणवीस के बेहतर चुनाव प्रबंधन की तारीफ तो राकंपा प्रमुख शरद पवार तक तो तारीफ करनी पड़ी। प्रदेश में पार्टी को पूरी मजबूती से साथ खड़ा करना और फिर प्रदेश की सरकार का शानदार संचालन, इसके लिए फडणवीस ने खासी मेहनत की। अपने राजनीतिक कौशल से देवेंद्र फडणवीस कम समय में पार्टी आला कमान के बेहद करीब आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की नजरों में भी देवेंद्र फडणवीस एक हीरे की मानिंद चमकने लगे। फडणवीस हमेशा कहते रहे कि मेरे लिए पार्टी मुझसे पहले है और उन्होंने अपने कहे को पिछले दिनों तब सत्य करके दिखा दिया जब एकनाथ शिंदे सरकार में पार्टी के आदेश पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता की भांति सहर्ष स्वीकार कर लिया। 22 जुलाई 1970 को नागपुर के सुख सुविधाओं से भरपूर एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उनके पिताजी और माताजी दोनों के डॉक्टर होने बावजूद उन्होंने खुद को समाज सेवा और फिर राजनीति के जरिए राष्ट्र सेवा में लगा दिया। पिता गंगाधर राव फडणवीस डॉक्टर होने के साथ ही नागपुर में विधान परिषद के सदस्य भी थे, परंतु वे नितिन गडकरी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। वर्तमान में प्रदेश में भाजपा और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन की सरकार है, परंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि आज महाराष्ट्र में भाजपा पहले नंबर की पार्टी है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे युवा मुख्यमंत्री बने, जिससे उनकी लोकप्रियता में और इजाफा हुआ। फडणवीस की उपस्थिति में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक होता है। फडणवीस की मेहनत और प्रदेश में भगवा परचम के चलते वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के चहेते भी बन गए। एक चुनाव रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए कहा था, देवेंद्र देश के लिए नागपुर का तोहफा है। मुंबई से गोविंद पुरोहित की खास रिपोर्ट।